हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। आदरणीय अभिभावकों और मेरे प्यारे बच्चों, आपके हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में पुनः 2022 और 2023 के नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। जी हां, अपने बच्चों का नामांकन हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कराएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। जी हां, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एकमात्र विद्यालय हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में वे सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपके बच्चों के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक सुविधाओं के लिए आप अपने बच्चों का नामांकन हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कराएं। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल आप सभी के बीच पुनः अपने सातवें वर्ष में नए बच्चों का नामांकन ले रहा है 2023 और 22 के लिए। जी हां, सत्र 2022-23 के लिए नामांकन पुनः प्रारंभ है और यह नामांकन लगातार 15 अप्रैल तक लिया जाएगा। 15 अप्रैल तक हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में नामांकन बिल्कुल मुफ्त में लिया जा रहा है। बस आपको विद्यालय आना है और आधार कार्ड के साथ अपने बच्चों का एक तस्वीर यानी फोटो ले आए और कराएं अपने बच्चों का नामांकन हमारे हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में। हमारे हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कई सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य कई विद्यालयों में वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जी हां, आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, आपके बच्चे बड़े होकर कोई आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल आप सभी के लिए नया अवसर लेकर आया है। आप भी अपने बच्चों को निःशुल्क में एडमिशन कराएं। एडमिशन बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। यह ऑफर आपका 15 अप्रैल तक चलेगा। जी हां, मात्र 15 अप्रैल तक के लिए नामांकन मुफ्त में लिया जा रहा है और लड़कियों के फीस में काफी कुछ छूट है। जी हां, लड़कियों का नामांकन कराने पर आपके लड़की बच्चों के फीस में भारी कटौती की गई है। इसलिए देर न करें और पहुंचें हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। नामांकन जारी है, प्रारंभ है, स्टार्ट है, शुरू है, चल रहा है। जी हां, नामांकन लगातार चल रहा है और यह नामांकन 15 अप्रैल तक चलेगा। 15 अप्रैल तक आप अपने बच्चों का नामांकन हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कराएं और कम से कम फीस का लाभ उठाएं। जी हां, बहुत ही कम फीस में आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। अपने कम फीस पर बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। आपके अपने विद्यालय हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एक बच्चे को चाहिए। नर्सरी से 8वीं तक हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, पता है कोचैली डगरुआ हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 7 में स्थित है। जी हां,
कोचैली डगरुआ के वार्ड नंबर 7 में हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल स्थित है। आप आए और अपने नए नए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का नामांकन कराएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना को पूरा करें। जी हाँ, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। आदरणीय अभिभावकों और मेरे प्यारे बच्चों, आपके हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में पुनः 2022 और 2023 के नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। जी हाँ, अपने बच्चों का नामांकन हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कराएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। जी हाँ, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एकमात्र विद्यालय हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में वे सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपके बच्चों के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक सुविधाओं के लिए आप अपने बच्चों का नामांकन हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कराएं। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल आप सभी के बीच पुनः अपने 7वें वर्ष में नए बच्चों का नामांकन ले रहा है 2023 और 22 के लिए। जी हाँ, सत्र 2022-23 के लिए नामांकन पुनः प्रारंभ है और यह नामांकन लगातार 15 अप्रैल तक लिया जाएगा। 15 अप्रैल तक हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में नामांकन बिल्कुल मुफ्त में लिया जा रहा है। बस आपको विद्यालय आना है और आधार कार्ड के साथ अपने बच्चों का एक तस्वीर यानी फोटो ले आएं और कराएं अपने बच्चों का नामांकन हमारे हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में। हमारे हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कई सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य कई विद्यालयों में वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जी हाँ, आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, आपके बच्चे बड़े होकर कोई आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल आप सभी के लिए नया अवसर लेकर आया है। आप भी अपने बच्चों को निःशुल्क में एडमिशन कराएं। एडमिशन बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, फ्री है। यह ऑफर आपका 15 अप्रैल तक चलेगा। जी हाँ, मात्र 15 अप्रैल तक के लिए नामांकन मुफ्त में लिया जा रहा है और लड़कियों के फीस में काफी कुछ छूट है। जी हाँ, लड़कियों का नामांकन कराने पर आपके लड़की बच्चों के फीस में भारी कटौती की गई है। इसलिए देर न करें और पहुंचे हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में। हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। नामांकन जारी है, प्रारंभ है, स्टार्ट है, शुरू है, चल रहा है। जी हाँ, नामांकन लगातार चल रहा है और यह नामांकन 15 अप्रैल तक चलेगा। 15 अप्रैल तक आप अपने बच्चों का नामांकन हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में कराएं और कम से कम फीस का लाभ उठाएं। जी हाँ, बहुत ही कम फीस में आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है
हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। अपने कम फीस पर बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। आपके अपने विद्यालय हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एक बच्चे को चाहिए। नर्सरी से आठवीं तक हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, पता है कोचैली डगरुआ। कोचैली डगरुआ हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल वार्ड नंबर 7 में स्थित है। जी हाँ, कोचैली डगरुआ के वार्ड नंबर 7 में हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल स्थित है। आप आए और अपने नए नए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का नामांकन कराएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना को पूरा करें। जी हाँ, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। Dear parents and student, now in Hindustan Public School, Kochaili Dagarwa invites you for new admission. Once again, I repeat, dear parents and student, Hindustan Public School, Kochaili Dagarwa invites a new admission. You all know that our school is very suitable and very fit for rural areas. In rural areas, our school face a lot of problems, but once again in 2022 and 2023, the new session in Hindustan Public School is going on. In new session, our school is invite a new admission for the session of 2022 and 2023. In our schools, some features are hostels, transport, computer lab, monthly test, weekly test, spoken English and other language classes. You can join also English spoken classes to improve your English language. So hurry up now, very so hurry up, because seat is very limited. Once again, seat is very limited, so please, once again, I repeat you, don't forget to come Hindustan Public School. Only one time you have to go in Hindustan Public School, and rest work is for our school. Rest work is our school to get your offer in admission 50% off for a newcomer students. Once again, 50% off in new admission you can get your student in Hindustan Public School. Dear parents and teachers, your Hindustan Public School is going to open a new admission for the session of 2022 and 23.
Here, your student learn a lot about various subjects by very special faculties of each subjects. So, you can now take admission in Hindustan Public School to improve your student in very proper way. Once again, in session 2022 and 23, your Hindustan Public School, you invite Hindustan Public School offering you for new admission. In our school, one of the greatest in rural areas in poor. To improve your English language. So, don't think about come to my slot. Less write and more learn. In Hindustan Public School, you can take your admission, your students' admission for the future.